नमस्कार दर्शक बंधु, साई अनंत आश्रम को स्वागत। स्त्री ना पुरुष दुनिया रे सबुठ बड़ पापी की एने कौन कहे शास्त्र देखत। नमस्कार बंधुगण, आपण मन तो निहति जानती दुनिया रे पापर भार के बढ़ी। दुनिया रे इते पापर बढ़िया परे सबु मनीष निज को साधु कहते तेब पाप करुचे किए? केही भी निज मुहरे निज पाप को स्वीकार करती ना। तेब एमती एक बड़ प्रश्न यह उठू कि दुनिया रे सबुठ बड़ पापी किए अटे। तेणु आज आम आपण मानक एक कहानी मध्यम यार उत्तर जनवाक जाऊ। जड़े राजा निज महल तोता मईना नामक सुआसारी रखी उभय को गोटे पिंजरें रखी थे। गोटे दिन मईना तोता को कहला कि मानुछ कि पुरुष मैंने पापी अटंती, एमाने बहुत बड़ धोखाबाज होइथांती। माइनार कथा शुणी तोता कहला, तू बंद कर तोर यही कथा, पुरुष एत पाप करे ना जीक पाप स्त्री मैंने स्त्री भली पापी तो ये दुनिया में कहीं नहांती। यही सब कथा को नहीं तोता एवं मईना मध्य झगड़ा आरंभ हो जाता। राजा ही झगड़ा देखी उभय को यहपरी कहार कारण पचारे। मईना कहला, गोटे जुआ खेलुवा बिगिड़ जा पुओ निज बाप माँ कथा शुणे ना, बास धन बर्बाद करे यही चिंतार पिता मृत्यु होगला। जुआ खेली से ही बिगिड़ जा पाटी जुआ खेली सबुदिन धन संपत्ति को जुआरे बाजी लगाई हारीगला। यापर से निज ग्राम छाड़ी अन्य एक ग्राम को जाई से एक व्यवसायी बोली मिछ परिचय दे जड़े धनी साधु झीव को लोभरे विवाह करिला। विवाह पर निज स्त्री सब अलंकार मन नेला निज स्त्री को जीवन रू मारिदेला। मईना यही कारणपाई पुरुष को पापी कहूबार कथा राजा को कहला। तोता भी यही भाई एक कहानी शुणाइला। स्त्रीर चरित्र को नहीं उभयंक कथा सुनी राजा कहिले, यार उत्तर मु तुमको देवी कि किए बड़ पापी। जो व्यक्तिर भावना निम्न स्तर को चली जाए थाए से ही व्यक्ति ही सबुठ बड़ पापी होता है। पाप करने निज भितर चिंताधारा दायी होता है, कारण पाप करने पूर्व कहीं पुरुष किंबा नारी हेबा कथा भावती ना। जय हो आनंद। आपण को ए वीडियो हुए तो आश्चर्य लगे किंतु यह संपूर्ण सत्य। दैवी शक्ति द्वारा सबकि संभव, से बहु संख्यार लोक बाबा पाखक आसंतु जड़े भक्त सहित कथा। बाबा आश्रित कौन अनुभव कर बाबा आश्रित है मुते असुविधा थी। आर्थिक समस्या थिला, मोर बहुत आर्थिक समस्या थिला। अधा दिन घरे बसुली अधा दिन कम करने को जाऊली। बाबा आश्रित है मत सबुदिन एवं कम मिलू। आमर द्वितीय समस्या है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या बहुत अशांति थी, बहुत दुखरे भी थी, सेटा भी हेले एवं समाधान हो जा। मो स्वामी विदेश रे थिले, एवं मो पाख को भी फेरी आसबे। देखिले तो फोन जोगे बहु समस्या समाधान बाबा करि पारंते। आसंतु जने भक्त सहित कथा हबा। बाबा श्री अनंत संगे आपण जेतले कथावार्ता हेले तापरे आपनकर जहा असुविधा थिला आज्ञा किमिति कोन एबे फीलिंग होउछि? से फीलिंग तो शब्द रे परिप्रकाश करि परिबे नै। बरे मो जीवनटा आगुरु अलग प्रकार थिला, जेबेठार बाबांग संगे कथावार्ता हेछि जीवनटा परिवर्तन हे गेलानि। मोर आगुरु केते प्रकार कोन असुविधा होतला, एबे कोन सब सुविधा हेछि टिके कहि परिबे? आगुरु असुविधा तो अनेक प्रकार, मु सब कथा मु जे त आपनको जानि नै पूरा, तो मुझे सब कथा प्रकाश करने चाहू नहीं। फिर भी मुझे कहूँ कि मु बहुत बड़ बीमारी रे चली थी। जो बीमारी मतलब बोधे मो जीवन बोधे नहीं जाई था कह भी ठीक हे। मु दी वर्ष अढ़ाई वर्ष से बीमारी सहित संघर्ष करी 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 बिल्कुल एकदम मतलब मु बस लास्ट को यही बोधे आचवा ही मोर निरर्थक। इमिति मुझे बेमार सहित एमती डक्टर भी जान पारे ना कौन औषध खाई 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 हालत भी खराब हो गला। तेणु करी जस्ट मुझे कई दिन बाबा सहित बेसी दिन भी मुझे जून फास्ट कि मे लास्ट रे बाबा सहित कथा आरंभ हो। मोर से बेमार तो मत नागन मोर मान से बेमार डक्टर कही अपरेसन हब, बुझी पारे? हाँ डक्टर कही अपरेसन हब।
ଆଉ କିଏ କହିଲେ କି ଯଦି ଅପରେସନ ହବ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ମତଲବ ସେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଠିକ ସେ କଣ ବୋଲିକି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା। ଯାହା ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲୁଛି। ଟିକେ ହେଇ 4-6 ଦିନ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଶୋଇବା ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦଉଛି, ସେତିକି ଟିକେ ଇଏ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଯାହା ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲୁଛି। ଆଗକୁ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ମୋର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ବାବା ସିଦ୍ଧି ବଳରେ କରିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଅଭିଜ୍ଞ ସାଧକ ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ସଙ୍ଗଦୋଷ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ 7008555180। ଫୋନ ନମ୍ବରଟି ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ 7008555180।